गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आ गई आपकी रानी आप लोगों से मिलने। और आप सबका मेरे चैनल पे, मेरे घर पे बहुत 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 स्वागत है। आई होप आप सभी अच्छे हो, मैं भी अच्छी हूँ। तैयार हो रही हूँ, कहाँ जाना है जी? एक रिसेप्शन है तो उसी के लिए तैयारी चल रही है। बालों को कैसे बांधा मैंने देखा, YouTube पे सर्च किया गाउन के साथ कौन सा हेयर स्टाइल जाए, एक पसंद आया तो कर लिया। और मेकअप करने बैठ गई हूँ, मेकअप में सिर्फ सनस्क्रीन, थोड़ा सा पाउडर और उसके बाद आई मेकअप। आई मेकअप में आई लाइनर, आई शेडो और आईब्राउ ड्रॉ कर लिया, बस ज़्यादा कुछ नहीं। मेरे घर में बोला ना, है ही नहीं कुछ तो क्या लगाओ। नहीं खरीदती मैं, मुझे पसंद नहीं इतना सारा मेकअप थोपना चेहरे पर, ऐसे मेरी स्किन अच्छी है। और सनस्क्रीन जो मेरी है वो मेकअप का ही काम करती है। ये नहीं कि मेकअप खरीद नहीं सकती, एक बार मेकअप सब खरीद लो तो बहुत दिन चल जाता है, ये मैं जानती हूँ। लेकिन कर भी सकती हूँ, कर भी लूँगी। यूट्यूब देखकर आजकल सभी मेकअप कर सकते हैं, लेकिन सांस लेना मुश्किल हो जाती है। और मेरे हस्बैंड जी यही से, मतलब इतना सा किया उससे से ही परेशान हो जाते हैं, डांटने लगते हैं, गुस्सा होते हैं, क्यों इतना सजना देना इतना। और मेरा जो बच्चा है, मेरा बेटा है, मुझे बोलता है बहू रूपी, तो जो सब रंग लगा के घूमता है ना, हंसाते हैं लोगों को, ये देवता और कोई राक्षस ये सब सज कर लोगों को हंसाने आते हैं, दिखाने आते हैं, वो बहू रूपी बोलते हैं हमारे यहाँ पे। तो मैं जितना हो सके कम करती हूँ, इसलिए खरीदती ही नहीं, खरीदने की कभी इच्छा ही नहीं हुई। और ये देखो लिपस्टिक, पहले लिप बाम फिर लिपस्टिक, तो अच्छा होता है आपको, मतलब होठ एकदम सूखे नहीं रहते, इसलिए पहले लिप बाम फिर लिपस्टिक, कंप्लीट मेरा आज का मेकअप। तुझे कैसा लगा आज का मेरा शॉर्टकट मेकअप? बहुत ही कम चीज़ों से ऐसी मैं रेडी हो जाती हूँ। तो चलो अभी कैसी लग रही हूँ ज़रूर बताना कमेंट में। ड्रेस की बारी, ये गाउन मैं पहनूंगी, कैसा लग रहा है देखने में? बहुत पसंद है गाउन मुझे। और बोलोगे साड़ी क्यों नहीं पहनी? क्योंकि मोटरसाइकिल पे साड़ी पहनकर जाना मुश्किल हो जाएगी, तीन लोग जगह नहीं होती। और ये कान का एक बैंगल और अंगूठी, और ये रहा दुपट्टा इस गाउन का, कैसा लगा? बहुत प्यारा है ना, मुझे बहुत 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 ज़्यादा पसंद है, इसका रंग इतना अच्छा। प्रीतम रेडी होकर बाहर फोन देख रहा है, और ये गाउन कैसी लग रही हूँ बताना, जरूर बताना। तो चलो अभी लेट हो रहा है, निकलते हैं, कुछ रील्स भी बनानी थी लेकिन टाइम नहीं हुआ, तो देखते हैं बाद में होता है कि नहीं, अभी तो निकलते हैं। चलिए तो जी निकल गई हूँ, दुपट्टा ले लिया है गाउन के साथ, और एक सफ़ेद दुपट्टा लिया है कॉटन का, ढककर जाऊंगी नहीं तो बाल खराब हो जाएंगे ना, बहुत दूर जाना है, आधा घंटा जाना है, छतना जाना है। और जो होता है छतना में रोज़ मैं ड्यूटी जाने के वक्त ये रेलवे फाटक के रुक जाती हूँ, रेलवे फाटक में रुक जाती हूँ, क्योंकि कुछ ना कुछ आता है। देखा है आप लोगों ने, देखो आज भी मालगाड़ी आ रही है तो रुकना पड़ा, बहुत बुरा लग रहा है, 10 मिनट यहाँ पर ही निकल गए। और हमें जल्दी जल्दी घर जाना है क्योंकि रास्ता इतना सेफ नहीं है। ये देखो पहुंच गए जी शादी घर, रिसेप्शन घर, ये दूल्हा और ये दूल्हे की माँ। अभी चलो दुल्हन को दिखाती हूँ, ऊपर इंतज़ाम किया गया है बैठने का, और घर छोटा है लेकिन प्यारा सा है। और ये है बाबा, दूल्हे के बाबा। और अब देखोगे जी दुल्हन को, ये देखिए रिसेप्शन ब्राइड, इतना अच्छा सजाया है, बहुत प्यारी लग रही है, ऐसे ही प्यारी है, चेहरा बहुत ही प्यारी है हाँ। और ऊपर से सजाया भी इतनी अच्छी से, अच्छी तरीके से, साड़ी ज्वेलरी और बालों को भी अच्छे से बांधा है, खूबसूरती से सजाया है फूलों से, बहुत ही प्यारी लग रही है, बहुत ही प्यारी। और लोग आ रहे हैं, बहुत सब रिलेटिव्स भी है, बातें चल रही है, प्रीतम उसके पापा बैठे हैं एक साइड पर, यहाँ पर शादी हुई है, यहीं पर ही शादी हुई है, ससुराल में यहीं पर ही रिसेप्शन हो रहा है, दिन में शादी हुई है, होगा कोई कारण मुझे इतना पता नहीं।
और हमने गिफ्ट में क्या दिया है, एक बेडशीट दिया है, वो जो वेलवेट वाला बेडशीट होता है वो अच्छा वाला एक दिया है। पूछ रहे थे कि दुल्हन दुल्हन कैसी है, मैंने बोला बहुत ही अच्छी है, बहुत ही खूबसूरत है, सचमुच प्यारी सी दुल्हन, छोटी सी प्यारी सी दुल्हन हमारी। और हम हमारे इनसे बहुत पुराने जान पहचान है, होटल है इनका, तो प्रीतम के पापा बहुत दिनों तक यहाँ पर खाए भी है, काम के सिलसिले में जब छतना में रहते थे तो यहाँ पर खाते थे, ये लोग बहुत ही प्यार से खिलाते थे, अपनापन था। होटल तो बहुत लोग चलाते हैं लेकिन इन्होंने जो प्यार दिया है प्रीतम के पापा को वही अपनापन था, अपने लोग जैसे ही, मतलब घर से दूर थे लेकिन ये लोग अपने जैसे ही थे, घर के लोगों जैसे ही, तो हमें भूले नहीं बेटे की शादी में। तो हम आ गए जी, टाइम पे निकलना होगा क्योंकि रास्ते में आधा घंटा जाना पड़ेगा बांकुड़ा से छतना, आप लोग जानते हो मैंने पहले भी बोला है, तो जंगल पड़ता है और सेफ भी नहीं होता है, चोर डकैत भी रहते हैं बोलते हैं प्रीतम के पापा, मुझे पता नहीं, मैं यहाँ की तो हूँ नहीं, तो और क्या सबसे बातें चल रही है और मैं ढूंढ रही हूँ रील्स बनाने की जगह, लेकिन रील्स कहाँ बनाएं, यहाँ पर नेट ही नहीं है। अभी चलो खाने के लिए बुलाया है प्रीतम के पापा ने, जल्दी खा कर निकलना होगा, मैंने बोला ना जल्दी खा कर निकलना होगा, तो चलो खाने बैठ जाते हैं, खाने में ही तो आधा घंटे से ऊपर लग जाएगा। गाउन पहन के चलना ऐसे मुश्किल है, लेकिन नहीं पहनूँ क्या, ख़रीदा किस लिए है बोलो, ये सब ड्रेस बहुत ही कम पहनना होता है कभी कभार, तो कोई बात नहीं इजी से धो लो फिर ठीक हो जाएगा, नए जैसा ही हो जाता है, अच्छा ही रहता है। तो जी खाने का पंडाल थोड़ी दूर है, उधर है, तो अभी थोड़ा चल के जाना पड़ेगा, और जानते ही हो हम बांकुड़ा जाएंगे फिर से, तो रास्ते में डर है, चोरों का डर है, तो इसलिए चोर बदमाश सभी का डर है, गाउन पहन के ऐसे मिट्टी में नहीं चला जाता, खराब हो जाता है, लेकिन अभी पहनूंगी नहीं तो कभी पहनूंगी बोलो, पहनने का टाइम तो ये है, और यहाँ पर म्यूजिक नहीं है तो बातें कर पा रही हूँ, तो जल्दी खाकर जल्दी निकलना है, आरुषी भी आएगी लेकिन अभी तक नहीं आई, पता नहीं मिलना होगा कि नहीं। तो जी ये रहा पंडाल, घर से थोड़ी दूरी है, और प्रीतम के पापा, प्रीतम आगे आगे और दूल्हे के बाबा जो है हमारे दादा मिठाई लेकर जा रहे हैं, प्रीतम के पापा भी मिठाई लेकर जा रहे हैं, संदेश जो है वो प्रीतम के पापा ने लिया है। तो चलो अभी खाने बैठ जाते हैं, भीड़ तो हुई नहीं, और प्रीतम देख रहा है कि पूरी है कि नहीं, चावल है, चावल उसको मतलब अच्छा नहीं लगा, दुखी हो गया मेरा बच्चा, मतलब जब वो कहीं पे जाता है खाने के लिए, कोई भोजघर कोई कहीं पे, तो पहले वो सोचता है कि राधा वल्लभी या चावल सॉरी पूरी कुछ मिल जाए, नान, तब उसको पसंद आता है, चावल से उसे इतना लगाव ही नहीं है, लेकिन हुआ नहीं यहाँ पर मूड ऑफ हो गया उसका, अभी दाल चावल खाएगा देखना, क्योंकि उसे दाल चावल ज़्यादा पसंद है, मैं साग खा रही हूँ क्योंकि साग ही अभी दिया है, पहले हमारे यहाँ पर नमक और नींबू फिर साग ही दिया जाता है, उसके बाद क्या आया है, दाल चावल, ये देखो प्रीतम का फेवरेट मिल गया है, पूरी नान ये सब नहीं है तो क्या है, दाल चावल भी तो उसका फेवरेट है, और आज तो कितनी बार दाल लिया, बुला बुला कर दाल वाले को बुला कर लेना पड़ा, इसके लिए मांग रहा है तो दाल नहीं दूंगी क्या, लेकिन बहुत सारे आइटम थे उसने खाया नहीं, वो भी बुरा लगता है। ये देखो सब्जी, एक मिक्स सब्जी था, एक पटल आलू और प्रॉन की सब्जी थी, वो सब हाथ भी नहीं लगाया उसने, और मैं तो मज़े से खा रही थी, सचमुच खाना बहुत अच्छा था, बहुत बढ़िया था, एकदम मतलब ज़्यादा स्पाइसी नहीं लेकिन स्वाद था, और क्या जी बहुत मुश्किल से शूटिंग कर रही हूँ, थोड़ा मैनेज कर लेना, चार मछली, बाप रे, नहीं जी मेरे दो, प्रीतम के दो, प्रीतम को तो कांटा निकाल के देना पड़ता है, मेरा बच्चा अभी तक बड़ा नहीं हुआ है, हाँ उसे कांटा निकाल के दो, मछली का पेटी का जो हिस्सा वो है, दो तीन बड़े बड़े कांटा ही रहते, आसानी से निकल जाते, फिर भी नहीं तुझे देना होगा चुन के कांटा निकाल के तभी मैं खाऊँगा, मैंने बोला ठीक है चलो तुम्हें पहले दे देती हूँ, फिर मैं दो जो पीस होते हैं मछली के वो लिया है वो खाऊंगी, और क्या जी बच्चा ना खाए तो खुद खाया जाता है क्या, तो
तो उससे पहले फिर मैं, और ये देखो मिठाई, दो रसगुल्ले, दो संदेश, पापड़, चटनी, लास्ट में तो एकदम मैं खुशी से पागल हो गई है ना। शुगर पेशेंट मिठाई देखो तो रहा नहीं जाता ना, और चटनी के साथ पापड़ खाना बहुत अच्छा लगता है, सब एक साथ ही दे दिया। तो धीरे धीरे खा रहे, उनको आसानी हुआ इसलिए दे दिया शायद जल्दी जल्दी से, अभी धीरे धीरे इंजॉय करके खा रहे हैं जी। क्या एकदम बंगाली टिपिकल जो खाना होता है वही था, लेकिन बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। पहले संदेश, फिर रसगुल्ला, तो और क्या, संदेश तो दिखा है, रसगुल्ला दिखाना भूल गई। खाते खाते इतना मग्न हो गई कि मुझे याद ही नहीं रहा आप लोगों को दिखाना है। तो चलो रसगुल्ला प्रीतम भी खा रहा है और मैंने ख़त्म कर दिया है जी। अभी आइसक्रीम की बारी, वहाँ पर नहीं खाई, बाहर आकर हाथ धोकर आराम से खा रहे हैं माँ बेटे आइसक्रीम। तो जी बाकुड़ा के करीब ही है, बीच में ये एक गांव पड़ता है, वहाँ पर कीर्तन चल रहा है, कीर्तन के लिए मेला भी बैठा है, बहुत सारे लोग हैं। ये देखो एक कहीं मेला लगे तो आसपास के गांव के लोग भी आते हैं, और रिलेटिव्स जो होते हैं इस गांव के, कीर्तन चल रहा है ना तो रिलेटिव्स भी आते हैं बाहर से बहुत, और हम जैसे लोग बांकुड़ा से भी भाग कर आते हैं देखने। तो आज नहीं देखेंगे, आज रुकेंगे नहीं, क्योंकि बहुत खाना वाना खा लिया है, अभी मन नहीं है रुकने का, और कुछ तो खाएंगे भी नहीं। तो कल आएंगे प्रीतम को, पापा को मैंने बोला कल ज़रूर हमें लेकर आना, उन्होंने बोला ठीक है। प्रीतम बोल रहा था रुकेंगे, यहाँ पर रुकेंगे, लेकिन मैंने बोला क्यों रुकना, कुछ तो खाओगे नहीं, कुछ नहीं, तो चलो अभी घर चलते हैं, पापा ने बोला है तो कल ज़रूर आएंगे, ठीक है। तो अभी चलो घर के तरफ। देखो मेरा बेटा ताला लगा रहा है, हम घर वापस आ गए, बहुत जल्दी आ गए। तो जी और क्या, अभी रेस्ट की बारी, कोई तो काम नहीं है। और प्रीतम कैसे खाया? बहुत ही बुरा, बहुत। क्यों ऐसा बोलते हो? बहुत ही अच्छा, दाल के ऊपर दाल, दाल के ऊपर दाल, दाल खाने जाता है वो भोज घर में, मेरा बच्चा दाल खाने जाता है और पापड़ और चटनी खाने जाता है, चटनी बस, उसको ये दे दो और कुछ नहीं खाना है। हाँ, तो चलो आज का वीडियो मैं एंड करती हूँ। आप लोगों को अगर मेरी वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट्स कर देना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जो लोग मेरे चैनल पर नए हो, और बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि मैं जब भी वीडियो डालूं आप लोगों के पास पहुंच जाए सबसे पहले, सबसे पहले। कितना खूबसूरत लगता है देखने में ये सब पहन के, ऐसे ऐसे चलो तो इसीलिए तो खरीदा है। आ क्या, चलो कल मिलती हूँ एक अच्छे से नए से ब्लॉग के साथ। टाटा।